व्यू इस टाइप का ही है, ट्रेन है ये शायद पकड़ने वाला है। थोड़ी तो फैन लगा हुआ, थोड़ी सीट लेदर टाइप का बना हुआ, लेदर का है। यहाँ पे लिखा हुआ इंडियन रेलवे, दिखाता हूँ ये कुछ अलार्म टाइप का लिखा हुआ अलार्म है। वो ये वही तो मूवी से मुझे खींचता है हीरो जो खींच के निकाल लड़की के लिए, हीरोइन के लिए जो ट्रेन रुक जाता है वही है। और ये फैन का स्विच है, काफ़ी सारा फैन भी लगा हुआ है, एलईडी लाइट भी काफ़ी है। हेलो गाइस, वेलकम बैक युवराज विश्वास ब्लॉग। तो कैसे हो मेरे प्यारे भाई एवं उनकी बहनों, आई होप आप सब मस्त हो गए, बिंदास हो गए, लाइफ बिंदास होकर रहना चाहिए, जीना भी चाहिए। तो आज का ब्लॉगिंग काफ़ी मज़ा आने वाला है और काफ़ी स्पेशल होने वाला, तो ब्लॉग को स्किप मत करना। तो आज हमेशा की तरह जिस जैसे मैं ब्लॉग बनाता हूँ, साइकिल लेके मैं अपना धनु लेकर आया हूँ। अभी मैं छोटा मोटा ब्लॉगर हूँ तो साइकिल से ट्रेवल करता हूँ, तो फ्री कॉस्ट हो जाता है, पेट्रोल रुपये बच जाता है। आज करने वाले पूर्णिया कोर्ट स्टेशन का ब्लॉगिंग, तो मज़ा आने वाला, तो ब्लॉग पर कंटिन्यू बने रहना। तो दिखाते हैं यहाँ का पूर्णिया कोर्ट स्टेशन का, साइकिल को लॉक कर दिया, ये साइकिल लॉक है, ये पूर्णिया कोर्ट स्टेशन। और ये साइड है पूरा कैंपस बैठने के लिए, दोनों साइड बैठने के लिए, इस ये साइड भी बैठने वाला, इस साइड भी बैठने वाला कैंपस है। और ये साइड में पहले दिखाता हूँ, कवर कर लेता हूँ ये साइड का। सबसे पहले यहाँ पर टॉयलेट रूम बना हुआ भाई, लिखा हुआ पुरुष शौचालय, भाई लेडीज़ कहाँ जाएगा भाई। और देखो भाई टॉयलेट रूम है, टॉयलेट रूम है भाई, टॉयलेट रूम में लोग किया हुआ भाई, बाहर में सब कर रहा है। देखो बिहार का में ही हालत होता सब। इधर आगे बढ़ते ये बरगद का पेड़ है, बैठने के लिए काफ़ी मस्त होता है भाई, ठंडा गर्मी में काफ़ी ठीक रहेगा बैठने में। और ये नल देखते हैं भाई वर्क करता कि नहीं करता, मुझे नहीं लगता सरकारी चीज़ यहाँ पर वर्क करेगा। देखते हो भाई, तो पता पहले ही चल गया, ये देखो पत्ता सब बिखरा हुआ है और पूरा सूखा सूखा तप गया, तो पक्का नल वर्क नहीं करेगा। देखो नहीं किया तो 10 रुपया वही पीना पड़ेगा मिनरल्स वाटर खरीद के। तो ये बैठने वाला कैंपस हो गया। और यहाँ पर लिखा है पुलिस भाई, इधर कैमरा जल्दी से यहाँ से निकल जाता हूँ, इधर अलाउड नहीं है कैमरा करने का। आगे जाते हैं वो साइड जाते हैं, उधर वो वहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं, वहाँ पर है पूर्णिया कोर्ट जंक्शन है, सॉरी वहीं से मेन गेट उधर से स्टार्ट होने वाला, मैंने पीछे से आया था। तो ये पूर्णिया कोर्ट स्टेशन का ये पार्किंग एरिया, बहुत बड़ा पार्किंग एरिया था। और वो है दुर्गा माता का मंदिर है इधर, तो बैठने वाला कैंपस इधर है। तो ये है मेन टिकट कटाने का काउंटर रूम इधर, तो अभी सुबह के 7 बज रहे, अभी काउंटर रूम में कोई है भी नहीं। तो ये पूर्णिया कोर्ट स्टेशन का इधर पूरा बैठने वाला कैंपस है, बहुत बड़ा कैंपस है इधर। वहाँ पर क्लॉक भी लगा हुआ है 7:26। और इधर कैंटीन टाइप का हो गया, वहाँ पर साफ सफाई हो रहा है, अच्छी मेंटेनेंस करके रखा है कोर्ट स्टेशन को। तो कितना मस्त सा व्यू आ रहा है, जूम करके देखा तो मस्त सा व्यू, यहाँ से लेके बहुत दूर तक देखा है, ओ भाई क्या मस्त सा व्यू आ रहा है, लड़ा कुहासा टाइप का। अभी भी थोड़ा ठंड का मौसम इसलिए कुहासा भी है। ये देखो भाई, ये पुराना मॉडल का चेयर टाइप का बनाया हुआ है, सीमेंटेड है, सीमेंटेड का बनाया हुआ है। उधर यू इधर मॉडिफाई किया है, तो कोर्ट स्टेशन को तो स्टील वाला लगा दिया है, अंकल जी साफ़ कर रहे हैं पूरा। और ये साइकिल को यहाँ पर लॉक कर देते हैं, ऊपर जाते हैं ओवरब्रिज में, ये ओवरब्रिज है ऊपर, इस पार से उस पार जाने के लिए दिया ओवरब्रिज। लिखा हुआ फुट ओवर ब्रिज, भाई पैर से ही ना जाता भाई, हाथ से नहीं जाता। इधर लिफ्ट लगाया हुआ नहीं है, इधर पूर्णिया स्टेशन में लिफ्ट है, इधर लिफ्ट नहीं है, पैर से ही चढ़ना पड़ेगा।
तो देख सो ये ओवरब्रिज काफ़ी हाइट में है, चढ़ते सीधे बैठ जाता होगा। ये देखो इधर भी जाने वाला रास्ता है, एक सीधा इस साइड पर, इस साइड देखते हैं जाके। तो ये नेट टाइप का लगा दिया है, सही है, कोई गिरेगा नहीं, बस सेफ्टी अच्छा ध्यान रखा है। ऐसे सब को स्टेशन में, को भी रेलवे स्टेशन में ये इस टाइप का ओवर ब्रिज रहता है, वो लगा हुआ था नेट। तो ये नेट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, टूटने वाला कोई बात नहीं है। ये मंदिर है यहाँ पर, मैंने दिखाया था, सदवई मंदिर है दुर्गा माता का। भाई क्या मस्त व्यू दिखा रहे हैं यहाँ, कितना बहुत सारे टोटो है। वो बोला ट्रेन आ गया, ट्रेन का व्यू दिखाते हैं मस्त। और ये ओवर ब्रिज काफ़ी बड़ा भी है, लेंथ में भी काफ़ी बड़ा है। वो देखो भाई ट्रेन आया है भाई, मस्त सा टाइम में अभी ब्लॉग बना रहे हैं। अभी ट्रेन आया भाई, दिखाते ट्रेन का व्यू। अभी पैसेंजर सब उतरने वाले, यहाँ से जाएगा वहाँ उधर टेम्पो स्टेशन टाइप का बना हुआ कैंपस, उधर टेम्पो में अभी सबको मिल जाएगा, अभी लोगों को भी फायदा हो जाएगा टेम्पो वाले सबको। और इधर है इंजन दिखा दे ट्रेन का इंजन, वो तो ट्रेन का इंजन है। ये अंकल जी उतार रहे हैं भाई। और ये देखो किस टाइप का सीढ़ी बनाया हुआ, जिगजैग टाइप का बनाया है भाई, डायरेक्ट इसे बनाता सीढ़ी था भाई, बहुत लेंथ है, काफ़ी हाइट में भी, और लेंथ इतना बनाया चढ़ते चढ़ते पैर दर्द हो जाता भाई। अभी सब अभी सुबह के 8 बजे का ट्रेन था, काफ़ी अधिक पैसेंजर भीड़ भी हो गया था पूरा। जैसे ट्रेन आया वाईफाई से कनेक्ट का हॉटस्पॉट से नहीं, तो हॉटस्पॉट वाईफाई कनेक्ट, जैसे ट्रेन आया देखो टोटो से कितना आ गया, काफ़ी पैसेंजर। अब यहाँ तो नीचे इधर से उतरना पड़ेगा, मेरा वो देखो वो मेरा साइकिल लगा हुआ, वहाँ पर जाना पड़ेगा पर साइकिल लेके, तब ये साइड आने वाले हैं। तो अभी जस्ट ओवर ब्रिज से नीचे उतरे वहाँ थे ट्रेन भाई, ट्रेन आया, ट्रेन का अंदर में जाके दिखाते हैं, अंदर का ट्रेन का अंदर में जाके व्यू दिखाते हैं भाई, तगड़ा सा व्यू आएगा। अभी काफ़ी लंबा काफ़ी बड़ा ट्रेन है ये, तो ये रास्ता इधर से क्रॉस होकर जाना पड़ेगा नीचे उतर के। फाइनली गाइस ट्रेन का अंदर आ चुके हैं, अब अंदर का व्यू दिखाते हैं मस्त ट्रेन का। इससे पहले एक बार ही मैंने ट्रेन में सफ़र किया है, व्यू इस टाइप का ही है, ट्रेन है ये शायद पकड़ने वाला है। और ये तो फैन लगा हुआ, और ये सीट लेदर टाइप का बना हुआ है, लेदर का है, और यहाँ पर लिखा हुआ इंडियन रेलवे। इधर से बाहर का व्यू दिखाते हैं, काफ़ी मस्त लगा ये ट्रेन। ये टॉयलेट है, टॉयलेट लॉक किया हुआ भाई, और लाइट से भी लगा हुआ इधर, लाइट है सब, लाइट एलईडी लाइट लगा हुआ है इधर, ये वाला गेट लॉक है। तो ये एक डिब्बा हुआ, ये मैंने जितना भी व्यू दिखाया हूँ, ये एक ट्रेन का एक डिब्बा हुआ, देखो कितने बड़ा डिब्बा ट्रेन का, वहाँ तक भाई जूम करके दिखाता हूँ, बहुत ब्राइट, एक डिब्बा इतना बड़ा हुआ जितना। ये लास्ट है ट्रेन का डिब्बा, तो फाइनली मैं बैठा हुआ ट्रेन का लास्ट डिब्बा में। ये लास्ट डिब्बा में कभी नहीं बैठना चाहिए, यदि ट्रेन पलटेगा तो सबसे डेंजर होता है लास्ट डिब्बा में, तो आगे में बैठना चाहिए। दिखाता हूँ ये कुछ अलार्म टाइप का लिखा हुआ अलार्म है, वो ये वही तो मूवी सब में जो खींचता है हीरो जो खींच के निकाल लड़की के लिए, हीरोइन के लिए जो ट्रेन रुक जाता है वही है। और ये फैन का स्विच है, काफ़ी सारा फैन भी लगा हुआ है, एलईडी लाइट भी काफ़ी है। वो दिखाता ट्रेन भाई मस्त व्यू आएगा,
अब यहाँ से नीचे भी उतर जाते हैं भाई, टाइम हो गए, ट्रेन भी स्टार्ट होने वाला है, नहीं तो भाई कहाँ जाने वाला, ट्रेन का पता भी नहीं टाइम का, शायद ये नेपाल जाने वाला है, नेपाल डायरेक्ट पहुँच जाएंगे, रुपया भी नहीं भाई, फंस जाएंगे। अब यहाँ सब नीचे उतरना पड़ेगा, देखो किस टाइप का सीढ़ी बना हुआ है, इसे नीचे उतरेंगे, वो वहाँ पर मेरा साइकिल लगा हुआ। तो फाइनल गाइस ये था पूर्णिया कोल्ड स्टेशन। तो आप लोगों को पूर्णिया कोल्ड स्टेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, और मैं ब्लॉगिंग भी कैसा लगा। तो फाइनली मस्त सा टाइमिंग पे आया था मैंने, 6:30 में आया, अभी 8 बज गया भाई, काफ़ी टाइम हो गया। और मस्त चीज़ यह रहा कि ट्रेन भी आया, ट्रेन के अंदर मैं कवर भी कर लिया, ट्रेन के अंदर रहता है, मैंने ट्रेन में सिर्फ एक ही बार ट्रेवल किया, मज़ा आ गया। ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, मिलेंगे अगले नेक्स्ट ब्लॉग पर।